गांडे के जनता जो है ना दिखा दिया है। पिछले बार भी हम लोग चुनाव लड़े थे तो 19,000 वोट हम लोग लाए थे, तीसरा बार थे। और जो भाजपा के जो उम्मीदवार जो चुनाव लड़े थे, हम लोग साथ में प्रचार प्रसार भी मुलाकात होती थी उनका, यहाँ जमानत धन्यवाद बीएनबी चैनल को जो आपने इतना धूप में, देखिए पसीना आपका छूट रहा है कवरेज करते करते, ये तो रंग लाएगा ही ना, आज नहीं तो कल, लेकिन रंग लाएगा। और आपको बता देना चाहते हैं कि अब की बार लोकल उम्मीदवार का जो मैंने नारा दिया है ये हकीकत हो रहा है और दिख रहा है, समझ के उल्टा पुल्टा लोगों को फेंक देता है यहाँ पर, कभी मामू को तो कभी भगना को, है ना। मामू जीत के गया, दूसरे यहाँ चले गया, फिर भगना जीतेगा, तीसरे यहाँ चले जाएगा। अरे ऐसे लोगों को तो मारो डंडा, भगाओ यहाँ के जनता को, मैं यही बोलता हूँ। मैं टाइगर की तरह नहीं बोलता हूँ, ठीक है, उल्टा पुल्टा नहीं, थोड़ा आवाज मेरा टोन थोड़ा ज्यादा है, मैं हकीकत बोल रहा हूँ। अगर यहाँ पर लोकल जीतेगा तो ही कुछ हो सकता है, नहीं तो गांधी विधानसभा को बचाना आने वाला समय में मुश्किल हो जाएगा। लोकल अर्जुन बैठा क्षेत्र के लिए क्या उन्होंने किया? क्षेत्र के लिए बहुत सारे कुछ किया, गरीबों का जो भी सुख दुख होता है इनके पास आता है, जैसे शादी हो गया, विवाह हो गया, दुर्घटना हो गया, मौत हो गया, ये जहाँ तक होता है अपना जेब से देते हैं। हमारे भैया तो अभी विधायक बने नहीं है जो पीसीसी और रोड का काम करेंगे, है ना। लेकिन जितना इनसे होता है, आप देखे होंगे विधायक जीता हुआ विधायक के घर में जाइएगा तो आपको बैठने के लिए नहीं बोलेगा, और इन्होंने कोई भी आम पब्लिक आके बैठता है उसको चाय पिलाते हैं, पेट्रोल पानी तक का व्यवस्था करके भेजते हैं। जीतेंगे क्या करेंगे? अरे चौमुखी विकास करेंगे, पूरा डेवलपमेंट होगा। यह जनता की आवाज, अब की बार किसकी बनेगी सरकार, देखिए जगन्नाथ के साथ बीएनबी लाइव। लगातार लोगों की कई तरह की बातें आप लोगों को जो हो रही है वो बीएनबी दिखा रही है, लेकिन चलते हैं कुछ लोगों के पास और इन लोगों से जानते हैं क्या मनसा है। देखिए मुखिया जी यहाँ पर है, शेरे सुधीर राजभर, इन्हीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या लग रहा है इस बार गांडे में किनका फतेह करने जा रहे हैं, किनका किला और किनका झंडा खड़ा करने जा रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद जगन्नाथ भैया जी। गांडे के जनता जो है ना दिखा दिया है, पिछले बार भी हम लोग चुनाव लड़े थे तो 19,000 वोट हम लोग लाए थे, तीसरा बार थे। और जो भाजपा के जो उम्मीदवार जो चुनाव लड़े थे, हम लोग साथ में प्रचार प्रसार भी मुलाकात होती थी उनका, यहाँ जमानत जब्त हो गया था तो वो ज्यादा ज्यादा 8,000 वोट लाए थे, वहाँ 14,000 लाएंगे और हम लोग 19,000 के 60,000 में बदलने के काम करे। घंटा गांडे से चुनाव आंसू के प्रत्याशी अर्जुन बैठा चुनाव जीतेंगे, ये पूरा जनता की आवाज है। देख पा रहे हैं मुखिया जी का भी कहना, भैया कुछ कहेंगे आप? भैया इस बार गांडे विधानसभा के जनता लोग अर्जुन बैठा जी के साथ में है और लोकल उम्मीदवार के साथ में वो चुनाव जीत रहे हैं, 110% जीत रहे हैं। देख रहे हैं चुनाव होने से पहले कार्यकर्ता लोग घोषणा कर रहे हैं, कुछ कहेंगे सोन जी? हम यही कहेंगे कि आवर जो है गरीबों का मसीहा, गांव का सरकार अर्जुन बैठा जिंदाबाद, वही बनेंगे मसीहा, गाँव की सरकार अर्जुन बैठा, जो बड़ा अच्छा बात। भैया राजेश जी कुछ कहेंगे? कहेंगे भैया हम लोग चुनाव तो लड़ाते आ रहे हैं, पिछले बार भी हम लोग आंसू से चुनाव लड़े थे और पिछले बार तो संगठन उतना नहीं था, इस बार तो संगठन आंसू का भरमार है, गांडे छा गया पूरा गांव और घर घर में। और हम ये कहना चाहता हूं कि इस बार बीजेपी का उम्मीदवार यहां से नहीं जीत सकेगा, उसको यहां से हरा के भेजना है, क्योंकि बाहरी उम्मीदवार है, हम लोग लोकल उम्मीदवार चाह रहे हैं उम्मीदवार को हराना है, बीजेपी उम्मीदवार को, बीजेपी जिताना है, अर्जुन भैया को जिताना, लोकल है यहाँ पे, उसको हम लोग देंगे, सारे जनता वोट देंगे, क्योंकि वो सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं, गरीबों का मसीहा है, गरीबों का आवाज उठाने, गरीबों का मसीहा। भैया गांव वाले केंद्र वाले आप लोग भी ये जानते होंगे कि 5 साल लगातार हमारे आशू पार्टी के केंद्रीय महासचिव श्रीमान अर्जुन बैठा जी लगातार जनता के साथ दुख सुख में, चाहे एक्सीडेंट के मामला हो, चाहे कहीं मर गया, कुछ भी मामला अर्जुन बैठा साथ है। आज आज हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम लोग जितने गांडे विधानसभा के क्षेत्र के अंदर में जितने कार्यकर्ता हम लोग महिला पुरुष जो हैं, सबों का एक बोली है कि अब की बार गांव की सरकार अर्जुन बैठा जिंदाबाद। देख पा रहे हैं बड़ा नारे लगाने लग गए हैं ये लोग भी। मनीष जी से बात करेंगे, क्या मनीष जी बेंगाबाद बाजार में आप रहते हैं, क्या हवा चल रही है वहाँ पर? देखिए सर हवा जो भी चल रही है सब ठीक चल रहा है जी, जैसे ही अर्जुन भैया ने बताया है कि जो भी ऊपर से आदेश आ रहा है हम लोग उसी के अनुसार काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जगन्नाथ जी की अभी तक गांडे विधानसभा की जनता को छला गया है, क्योंकि माननीय सालखन सोरेन के बाद यहाँ से लोकल उम्मीदवार कोई भी नहीं है जो यहाँ की जनता के सुख दुख में भागीदार हो। अभी हमारे लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है अर्जुन बैठा जिंदाबाद, अर्जुन बैठा जिंदाबाद, इनके अलावा और कोई प्रभारी जी अब की बार लोकल उम्मीदवार बाहरी ना चलते, बाहरी ना चलते, बाहरी ना चलते,
बाहरी ना चल तो देख पा रहे हैं। सुनील जी आप कुछ कहेंगे? और बहुत धन्यवाद, हम लोग पूरा टीम बना लिए हैं, हम लोग अर्जुन भैया के साथ हैं और हम लोग पूरी लगन से काम कर रहे हैं और हम लोग जीत सुनिश्चित करने के लिए भी तैयार हैं। जीत सुनिश्चित करने के लिए तैयार हैं। अच्छा कुछ कहिएगा आप। हाँ बहुत अच्छा बात है। मैं वासुदेव मंडल बुधोड़ी पंचायत के अध्यक्ष। क्या विचार है इस बार बताइए ना। एकदम अर्जुन बैठा जिंदाबाद, अर्जुन बैठा जिंदाबाद। चचा का भी कहना है। हम लोग चलते हैं हरपन मोहल्ला प्रखंड अध्यक्ष महेंद्र महतो जी के पास। लगातार आक्रोश में रहते हैं और तेज में रहते हैं और दूसरी बात यह है कि इस बार लगता है कि कहर ढाएंगे या छोड़ेंगे, इन्हीं से हम लोग जानते हैं। क्या महेंद्र जी, चुनाव पर्व करीब है और आप जो दहाड़े लगातार हैं, अब वो बारी आ गया दहाड़ने का, कैसे दहाड़ेंगे कैसे जीतेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद बीएनबी चैनल को, जो आपने इतना धूप में, देखिए पसीना आपका छूट रहा है कवरेज करते करते, ये तो रंग लाएगा ही ना, आज नहीं तो कल, लेकिन रंग लाएगा। और आपको बता देना चाहते हैं कि अब की बार लोकल उम्मीदवार का जो मैंने नारा दिया है, ये हकीकत हो रहा है और दिख रहा है, क्योंकि आज से पहले सालखन सोरेन जब हम लोग का विधायक रहा करते थे तो जितना भी रोड बना है आज तक रिपेयरिंग नहीं हुआ, जबकि हमारे अर्जुन बैठा उसका प्रतिनिधि रहा करते थे। आज वह प्रतिनिधि को मैं एमएलए बनना देखना चाहता हूँ और यहाँ के जनता भी चाहती है कि एमएलए वो बने और चमुखी विकास गांडे विधानसभा का हो। ये गर्मजोरवा समझ के उल्टा पुल्टा लोगों को फेंक देता है यहाँ पर, कभी मामू को तो कभी भगना को, है ना। मामू जीत के गया, दूसरे यहाँ चले गया, फिर भगना जीतेगा, तीसरे यहाँ चले जाएगा। अरे ऐसे लोगों को तो मारो डंडा भगाओ यहाँ के जनता को, मैं यही बोलता हूँ। मैं टाइगर की तरह नहीं बोलता हूँ, ठीक है, उल्टा पुल्टा नहीं, थोड़ा आवाज मेरा टोन थोड़ा ज्यादा है, मैं हकीकत बोल रहा हूँ। अगर यहाँ पर लोकल जीतेगा तो ही कुछ हो सकता है, नहीं तो गांडे विधानसभा को बचाना आने वाला समय में मुश्किल हो जाएगा। तो लोकल अर्जुन बैठा ही जीतेगा तभी होगा क्या? जी, अभी लोकल 5 साल के दरमियान में आप देखे होंगे नियंत्रण प्रयास है, चुनाव हारने के बाद में एक दिन भी इनका कार्यक्रम कहीं बंद नहीं है। ये आप लोग कार्यक्रम से क्या फर्क पड़ता है, क्या किया है अर्जुन बैठा ने, क्या किया अर्जुन बैठा ने आपके क्षेत्र में जो आप उनको जिताना चाह रहे हैं? जब तक अभी हमारे अर्जुन भैया हैं क्रीज पर, जिस तरह से अभी चल रहा है, अरे क्रीज पर है, क्षेत्र के लिए क्या उन्होंने किया? क्षेत्र के लिए बहुत सारे कुछ किया, गरीबों को जो भी सुख दुख होता है इनके पास आता है, जैसे शादी हो गया, विवाह हो गया, दुर्घटना हो गया, मौत हो गया, ये जहाँ तक होता है अपना जेब से देते हैं। हमारे भैया तो अभी विधायक बने नहीं है जो पीसीसी और रोड का काम करेंगे, है ना, लेकिन जितना इनसे होता है, आप देखे होंगे विधायक जीता हुआ विधायक के घर में जाइएगा तो आपको बैठने के लिए नहीं बोलेगा, और इन्होंने कोई भी आम पब्लिक आके बैठता उसको चाय पिलाते हैं, पेट्रोल पानी तक का व्यवस्था करके भेजते हैं। क्या लगता है जीतेंगे तो क्या करेंगे? अरे चौमुखी विकास करेंगे, पूरा डेवलपमेंट होगा, विधानसभा पूरा चौमुखी विकास और मॉडल पंचायत, मॉडल क्या बोलते विधानसभा होगा हमारा गांडे विधानसभा। तो देखिए अर्जुन जी के सामने तो कल्पना सोरेन है, बीजेपी के और दिलीप वर्मा है, क्या लग रहा है लोगों से कैसे जीतेंगे? चोर के लिए चौकीदार रखा जाता है, चोर के लिए चोर नहीं भेजा जाता है। जिसका पति चोर हो उसका पत्नी भी तो चोर होगा, जिसका पति चोर हो मतलब उसका पत्नी ही चोर होगा। जब सीएम हमारा चोर है तो उसका पत्नी क्या होगा, वो भी तो चोरी ही करेंगी ना, जितने के बाद अबर और मिलके चोरी करेंगे। चोर कैसे कह रहे जी, गांडे विधानसभा उम्मीदवार बन रही तो चोर किस आधार पर कर रहे हैं? जब मैं सीएम की बात कर रहा हूँ, सीएम चोर नहीं था तो अंदर क्यों गए? और अंदर गए तो फिर ये यहाँ खाली करवाया गया, कितना मशक्कत से खाली करवाया गया, सरफराज सर को छोड़वाया गया धमकी देके, पैसा देके, है ना। उसके बाद कौन जिताया था? सरफराज अहमद को तो पब्लिक जिता के भेजा, और वो जीतने के बाद भी राज्यसभा का सदस्य बन गए, मतलब चोर चोर मोसेरा भाई, है ना। और अभी फिर एगो दूसरा एगो चोर को तैयार करो, ऐसा नहीं होता है, यहाँ नहीं चलेगा। इन क्या चलेगा? यहाँ चलेगा ओनली फॉर आज सो पार्टी अर्जुन बैठा, बीजेपी भी नहीं चलेगा। आप लोग क्या मतलब कंफर्म पगड़ी बांध लिए? बिल्कुल बिल्कुल बांध लिए है, हम लोग बांध लिए हैं। पिछले बार हम लोग को लोकसभा के टाइम में बीजेपी ने दगेबाज किया हम लोग के साथ में, लोकसभा का चुनाव के टाइम में हम लोग से मदद ले लिया, विधानसभा में रिश्ता तोड़ दिया। इस बार भी वही, देखिए अभी आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जिसका कुछ नहीं है, जो मुखिया चुनाव नहीं लड़ सकता है, बराबर 10 वोट नहीं ला सकता, उसको टिकट दिया है, है ना, वो जानबूझ के दिया है कि ताकि कल्पना सोरेन जीत जाए और यहाँ के जो है सो गांडे विधानसभा का दुर्दशा इसी तरह रहे। आज तक गांडे विधानसभा के बारे में कोई नहीं सोचा है कि विकास हो, अगर सोचने वाला कोई शख्स निकलेगा तो हमारा अर्जुन बैठा है, वो चौमुखी विकास करेगा, मुझे उम्मीद है। तो देख पा रहे हैं कि महेंद्र महतो जो प्रखंड अध्यक्ष है, इनका कहना है कि समुचित विकास के लिए अर्जुन बैठा ही सुयोग्य नेता है। फिलहाल चुनाव अभी होने बाकी है, लोगों में एक से एक बातें निकल करके सामने आ रही है, लेकिन यहाँ का जिस प्रकार जो दिख रहा है रुझान, आशु के अर्जुन बैठा के प्रति रुझान काफी देखने को मिल रहा है। फिलहाल जनता की आवाज से आप जुड़े रहें, जगन्नाथ के साथ आप जुड़े रहें, दिखाती रहेगी कब कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम, थैंक यू।